मुखिया भूपेश बघेल प्रदेशवासी मन ल शक्ति उपासना के परब नवरात्रि और महाराजा अग्रसेन जयंती के दिन बधाई और शुभकामना। ये अवसर में देवी दुर्गा से सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बर करिस प्रार्थना। आज प्रदेश के स्कूल मन में नहीं हुआ तिमाही परीक्षा, प्रश्न पेपर वायरल हो जाए के वजह से एग्जाम करना पड़ी कैंसिल। अब सबो स्कूल अपन स्तर में लिखी परीक्षा, ब्लैक बोर्ड में सवाल लिख के परीक्षा कराए जाए के शिक्षक संघ हा करिस विरोध। 58% आरक्षण रद्द होए के खिलाफ आंदोलन करी सर्व आदिवासी समाज, रायपुर में अहम बैठक के बाद लिए गए फैसला। 10 अक्टूबर के महाबंद के हुई आयोजन, बैठक के बाद सीएम बघेल के इस बयान, कोनो के नहीं कटे हक, सबो के हक के लड़ाई एक साथ लड़े की कही इस बात। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम के आज ले पद यात्रा शुरू, कोंडा गांव से दंतेवाड़ा तक करीब 161 किलोमीटर के यात्रा 4 दिन में करी पूरा। पद यात्रा में पीसीसी अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता है शामिल। प्रदेश में नवरात्रि में सजीस माँ के दरबार, बिलासपुर रतनपुर के महामाया मंदिर में 25,000, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में 10,000 ज्योति करे गई प्रज्वलित, दर्शन बर भक्त मन के उमड़ी भीड़। धमतरी सोनेवारा के सरपंच विद्याचरण नेताम ऊपर जानलेवा हमला करैया आरोपी पंचपति ओम प्रकाश निषाद ला पुलिस करिस गिरफ्तार। आरोपी ह सरपंच के सिर में कुल्हाड़ी मार के गंभीर रूप से कर दे रहिस घायल। दुर्ग पावर हाउस के लाल मैदान में नशा मुक्ति थीम में बने झांकी के हुआ थे खूब चर्चा, शराब के बोतल गुटखा पैकेट से बनाए गए दुर्गा पंडाल, झांकी में दिखी गांजा के खेती, नशा छोड़े बर शपथ जोन भी करेगी तैयार। प्रदेश में लंपी वायरस के संदिग्ध 4 गाय के मौत हुए के है खबर, राजिम फिंगेश्वर के लचकेरा गांव में एक दिन में 4 गाय के अचानक हुई मौत, दो के हालत है गंभीर, पोस्टमार्टम के बाद ही गाय के मौत की चल ही पता। रायपुर डीडी नगर इलाका के हाईवे में कार शोरूम के पाछू 27 साल के युवक की मिली लाश, आरोपी है मृतक के चेहरा से मांस नोच के निकाल लिए है आँखी, चंदन यादव के रूप में हो है मृतक के पहचान, हत्यारा के तलाश में है पुलिस। बिलासपुर सीपत एनटीपीसी में प्रतिनिधि यूनियन चुनाव के कवायद हुई शुरू, 12 अक्टूबर के होइया चुनाव बर बीएमएस ह एचआर प्रमुख कना करिस नामांकन दाखिल, कर्मचारी मन ल अपन पक्ष में प्रचार अभियान तेज करे जाए के करे गई अपील, श्रमिक मन के उत्थान ले मजबूत राष्ट्र के हुई निर्माण, उनकर हक और अधिकार दिलाए बर हर संभव करे जाही प्रयास। बीएमएस अध्यक्ष विनोद मंजारे, महासचिव आर के साहू समेत सैकड़ों कर्मचारी मन रहिन मौजूद। बिलासपुर सीपत एनटीपीसी में राजभाषा निबंध लेखन प्रतियोगिता के हुई आयोजन, गृहिणी मन बढ़ चढ़ के भाग लेवत हुए देखाइन अपन रुचि, हिंदी के प्रयोग ला करे जावत है प्रोत्साहित, कविता पाठ के हुई आयोजन, हिंदी पखवाड़ा के अवलोकन के दौरान हिंदी में कई अन्य प्रतियोगिता के बनाए गई योजना, स्पर्धा में कर्मचारी मन के परिवार के अलावा बाल भारती स्कूल के लड़का मन हुई शामिल। रायपुर तिरदा ब्लॉक के रायखेड़ा विद्यालय में राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर में आदानी फाउंडेशन के सहयोग ले कुपोषण दूर करे बर निकाले गई जागरूकता रैली, किशोरी बालिका गर्भवती माता और शिशुवती माता मन ल पोषण आहार के बारे में दिए गई जानकारी। ये अवसर में विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता और स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता के हुई आयोजन, कार्यक्रम में माता मन ल करे गई सम्मानित, ये दौरान बड़का संख्या में लोगन रहिन उपस्थित। एनएसएस के स्थापना दिवस में बिलासपुर सीपत वैदिक महाविद्यालय में मोटिवेशनल शिविर के हुई आयोजन, विद्यार्थी मन में सकारात्मक भाव ला बताए गई सफलता की पूंजी, राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य और महत्व में डाले गई प्रकाश, अध्यात्म और राजयोग के दे गई जानकारी, समाज सेवा करत हुए स्वयं और आर्थिक स्थिति ला सशक्त बनाए के करे गई आह्वान, मुख्य वक्ता के रूप में बीके विकास समेत अन्य अतिथि मन रहिन मौजूद। कोरबा कोतवाली के प्रभार संभालत ही नगर कोतवाल रूपक शर्मा आपराधिक मन के ऊपर रखत पैनी नजर, मुखबिर के सूचना में तलवार लहरैया एक युवक ल पुलिस करिस गिरफ्तार, रामसागर पारा निवासी चंदन गोड़ मेन रोड में चाकू दिखा के दुकानदार वाला मन ल करत रहिस भयभीत। नवरात्रि के मद्देनजर कोरबा एसपी संतोष सिंह सुरक्षा व्यवस्था ले के आधा रात के शहर के लिए जायजा, असामाजिक तत्व के लोगन ल सबक सिखाए बर कराई उठक बैठक, बिगड़े बोल युवक मन के ऊपर कार्यवाही करे के नगर कोतवाल रूपक शर्मा लदीस आदेश, नवरात्रि में सुरक्षा व्यवस्था लले के पर्याप्त बल करे जाही तैनात, नशा मुक्त अभियान के तहत लक्ष्य ला पूरा कर अपराध मुक्त बनाए जाए के करे जाही कोशिश।
मुंगेली जिला के मतकू तीर्थ माँ करे गयी पितर मन के श्राद्ध तर्पण। श्री हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप सेवा समिति मतकू ह सेना सशस्त्र बल पुलिस कोरोना वॉरियर्स और सड़क दुर्घटना में काल कवलित हुए ज्ञात अज्ञात मृत आत्मा मन के शांति बर रखे गए श्राद्ध और तर्पण कार्यक्रम जेमा बढ़ चढ़ के लोगन हुई शामिल। श्राद्ध भोजन भंडारा के बाद अपन अपन पितर ल करिन विदा। बेमेतरा संभाग आयुक्त महादेव कांवरे दिखी सेक्शन मोड मा गिरदावरी कार्य मा लापरवाही बरते मा पटवारी हेमंत महंत ल थमाइस कारण बताओ नोटिस। कांवरे खुद किसान मन के खेत में जाके गिरदावरी कार्य के करत निरीक्षण। विद्यालय परिसर केसला खरोरा में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक इकाई तिल्दा के तत्वाधान में शिक्षक सम्मान समारोह के हुई आयोजन। फेडरेशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा सचिव कैलाश बघेल और सबो नव नियुक्त पदाधिकारी करीन शपथ ग्रहण। सेवानिवृत्त शिक्षक दिवंगत शिक्षक मन के परिजन निर्वाचन अधिकारी उत्कृष्ट कार्य करैया सहायक शिक्षक मन ल करे गए सम्मानित। फेडरेशन कार्यालय भवन निर्माण बर मुख्य अतिथि विधायक धरसिंहा अनिता योगेंद्र शर्मा हा 15 लाख और विधायक बलौदा बाजार प्रमोद कुमार शर्मा हा 5 लाख स्वीकृति के करीस घोषणा। सूरजपुर के थार पाथर मा वन भूमि ऊपर हुए अतिक्रमण ल खाली करवाए गए थाना प्रभारी समेत वन कर्मी ऊपर हुई जानलेवा हमला। आक्रोशित अतिक्रमणकारी मन वन और पुलिस अमला ऊपर हमला बोलत लाठी और डंडा ले करीन पिटाई। थाना प्रभारी समेत 6 कर्मचारी ऊपर हमला कर आरोपी हुई फरार। बालोद गुंडरदेही के बहुचर्चित शराब चोरी मामला के हुई खुलासा। शराब भट्टी के ताला तोड़ के गल्ला ले करीब 5,76,000 रुपया नगद समेत करीब 30,000 के शराब और DVR ले भागे रहिन चोर। मामला में संलिप्त 2 कर्मचारी समेत 5 आरोपी ला पुलिस करीस गिरफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव भिलाई में प्रेस वार्ता कर भारत जोड़ो यात्रा ऊपर रखी सपन बात। मंत्री कहिस मुख्यमंत्री बने ले के न्याय के उम्मीद के अब भी इंतजार। अगला विधानसभा चुनाव में CM फेस ले के तोड़ी चुप्पी। कहिस प्रदेश के जेन मुख्यमंत्री होते वही होते CM फेस। वर्तमान में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है तो वही CM के वही चेहरा। रायपुर में लगभग 2.5 साल बाद फिर सिटी बस के संचालन हुई शुरू। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे हरा झंडा दिखा के करी रवाना। शहर के अंदर और आसपास के इलाका में जाए बर अब मिली सुविधा। आज 15 दो दिन बाद 15 और बस कर दिए जाही शुरू। कुल 30 बस के संचालन हो जाही शुरू। आज महिला मन फ्री में कर सकत सफर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन कल्याणकारी योजना मन ल जन जन तक पहुँचाए बर मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा द्वारा विकास योजना के निकाले गयी रथ। खनिज निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन हरी झंडी दिखा के सिमगा क्षेत्र के गांव-गांव प्रचार प्रसार बर करीस रवाना। सिमगा मा सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम के घलो करे गए उद्घाटन। ये दौरान जिला उपाध्यक्ष सरिता ठाकुर के नायक चंदू साहू लोमन घृत लहरे गोलू साहू और कांग्रेसी मन भारी संख्या में रहिन उपस्थित। फटाफट अंदाज मा आप मन बर और खबर लेके आवो। तब तक देखत रहा न्यूज 36।